फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया है। ठीक है, अभी तो पूरा रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, तो अनाउंस होने के बाद सबका एक कंफ्यूजन होता है कि किस स्ट्रीम को सिलेक्ट करें आपका क्लास 10। ठीक है, तो बहुत लोगों की बहुत सारी धारणाएं हैं, परसेप्शन है, लेकिन मैं आपको एक इफेक्टिव वे बता रहा हूं जिसके थ्रू आप अपने स्ट्रीम तक पहुंच सकते हो कि क्या आपको सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक मिथ डिस्कस कर लेता हूं जो सोसाइटी में बहुत ज्यादा सब लोग कहते हैं, सोसाइटी में बहुत प्रचलित है। वो ये है कि साइंस जो है उसमें सबसे ज्यादा स्कोप है, उसके बाद कॉमर्स और उसके बाद आर्ट्स। ठीक है, मतलब अगर मैं स्कोप की बात करूं तो सब कहते हैं कि साइंस में बहुत ज्यादा स्कोप है, देन कॉमर्स, उसके बाद आर्ट्स। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपने लगाया है, समझ लो अगर ये कॉन्सेप्ट आप लगा रहे हो तो ये गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, इस पे बिल्कुल भरोसा करना ही नहीं है आपको। ठीक है, ये एकदम गलत कॉन्सेप्ट है, सोसाइटी का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है जो आपको फॉलो नहीं करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इफेक्टिव वे क्या है, किस तरीके से आप अपने स्ट्रीम तक पहुंच सकते हो। तो सबसे पहले तो भाई, बेस्ड ऑन क्लास 10 रिजल्ट, ठीक है, आपका जो रिजल्ट हुआ है, ठीक है, आपने जो ये 10 साल पढ़ाई की है, किस तरीके से आपने पढ़ाई की है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है, उसके बेसिस पे आप एक चुनाव कर सकते हो, उसके बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के सारे सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं। ठीक है, उनको मैथ्स, फिजिक्स, साइंस और SST, इंग्लिश सब इक्वली उनको अच्छा लगता है। तो तब आपको क्या करना है, देखो तब सेकेंड पॉइंट ये सबसे इफेक्टिव है, क्या करना है कि वॉच यूट्यूब वीडियोज। ठीक है, आजकल यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी मैं यूट्यूब से पढ़ना, आप बहुत कुछ यूट्यूब से पढ़ सकते हो, लेकिन एक मास्टर का होना जरूरी है आपके लाइफ में। ठीक है, यू शुड हैव समवन इन योर लाइफ जो आपको मेंटर करे। ठीक है, तो जस्ट फॉर द चेक आप यूट्यूब से कोई भी एक वीडियो उठाकर पढ़ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना वो आपका सीक्वेंस वाला वीडियो होना चाहिए। ठीक है, आप उसको प्लेलिस्ट से उठाओगे। ओके, किसी भी आप जाओगे चैनल पे, जैसे मान लो कॉमर्स का एक साइंस का चैनल हो गया, कॉमर्स का चैनल हो गया, आर्ट्स का चैनल हो गया, ओके, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको जाना है क्लास 11, 12 के चैनल पे। ठीक है, फिर आप एक सीक्वेंस से, एक प्लेलिस्ट से वीडियो उठा लेना, उसको एक घंटे तक देखना। ठीक है, और पेन पेपर लेकर, एकदम पूरा फोकस तरीके से पेन पेपर लेकर उसको आप देखिए, फिर उससे कितना आप समझ पा रहे हो, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उस कॉन्टेंट से समझ में आ रहा है तो समझ लें वो स्ट्रीम आपका है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है फिर आपका वहां से इंटरेस्ट भी आ रहा है, ठीक है, तो समझ लेना वही स्ट्रीम आपका है। ठीक है, लेकिन आप उसको सही तरीके से देखोगे, एक घंटा, जैसे आर्ट्स का कोई भी एक टॉपिक उठा लिया आपने, 1 आवर देख लिया, साइंस का कोई एक टॉपिक उठा लिया आपने, 1 आवर देख लिया, फिर कॉमर्स का भी कोई एक टॉपिक उठा लिया आपने, 1 आवर देख लिया। ठीक है, लेकिन इसको देखने के बाद आपको दो चीजें समझना होगा कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, और दूसरा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर वो दोनों ही आपको इंटरेस्ट भी आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो समझना वही स्ट्रीम आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी आपको कहना चाहूंगा कि एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है आपके लाइफ पे। ठीक है, तो मेंटर जरूर ले लेना, पूरा यूट्यूब पे डिपेंड होकर मत पढ़ना। ठीक है, मतलब यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स है, बट फिर भी यूट्यूब डिपेंडेंट मत होना, एक मेंटर अपने लिए जरूर ले लेना। ठीक है, और दूसरा, मैं तीसरा जो लास्ट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लिसन टू योर सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ और भी लिख सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने लिखा है लिसन टू योर सेल्फ। ओके, क्यों लिखा है, इसके पीछे रीजन सुनो। अभी जैसे आपके रिजल्ट्स आ चुका है ना, तो बहुत सारे आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके सोसाइटी होंगे, जिनसे आप कभी बात भी नहीं करते होंगे, जो आपसे बात नहीं करता होगा, ठीक है, वो अचानक से एक्टिव हो जाते हैं, मतलब सक्रिय हो जाते हैं वो। ठीक है, वो आके आपको एडवाइस देने लगते हैं कि यार ये ले लो अच्छा होगा, वो कर लो अच्छा होगा, तो उनके एडवाइसेस को आप सुनो, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो आपका ही होना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज लिसन टू योर सेल्फ एंड लिसन टू योर हार्ट। ठीक है, इसको करियर क्यों कहा जाता है, 11, 12 को करियर स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, जैसा आप लोगे वैसा ही आपका जो नेक्स्ट फ्यूचर स्टडीज होगा उसी के ऊपर ही बेस्ड होगा, तो सोच समझ कर लेना। ठीक है, और इस पे मैं एक बात ये भी ऐड करना चाहता हूं दोस्तों, कि बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, जो ये बात करते हैं कि इस स्ट्रीम को ले लो, वो इसमें स्कोप अच्छा है, तो स्कोप के बेसिस पे मत लेना। ठीक है, इंटरेस्ट के बेसिस पे लेना,
क्योंकि मैं आपको एक बात ये भी बता रहा हूं कि अगर आपका इंटरेस्ट होगा ना, तो इंटरेस्ट से आप क्या, इंटरेस्ट अगर आपके पास होगा तो आप इंटरेस्ट के थ्रू आपको नॉलेज मिलेगा, नॉलेज अगर आपको अच्छा खासा मिलेगा तो आपको ऑटोमेटिकली आपको स्किल मिलेगा ही मिलेगा। तो नॉलेज और स्किल भी अगर आपको मिल गया तो आप वेल क्वालिफाइड हो जाओगे। तो अगर आप वेल क्वालिफाइड हो गए ना, दैट इज द सफिशियंट कंडीशन फॉर जॉब। एक जॉब के लिए आपको वेल क्वालिफाइड होना है, ठीक है। अगर आप वेल क्वालिफाइड भले साइंस स्ट्रीम से हो जाओ, कॉमर्स स्ट्रीम से हो जाओ, आर्ट्स स्ट्रीम से हो जाओ, किसी भी स्ट्रीम से हो जाओ, लेकिन अगर आप वेल क्वालिफाइड हो तो आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा, यू विल नेवर बी जॉबलेस। लेकिन अगर आप क्वालिफाइड ही नहीं हो, ऐसे ही आपने पढ़ाई कर लिया, आपने दोस्तों को फॉलो किया, दोस्तों ने साइंस ले लिया, बहुत तो यही करते हैं, साइंस लिया बस मैं भी साइंस ले रहा हूं, ये गलती मत करना, ठीक है। ठीक है, अगर आप वेल क्वालिफाइड नहीं रहे तो इनमें से किसी भी जो आपका करियर है इसमें आपके लिए जॉब नहीं होगा, दैट इज द रियलिटी। तो सोच समझ के डिसीजन लेना, ठीक है। वैसे भी मतलब 11-12 का जो है, जो 11-12 का जो पढ़ाई है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये यू नो फ्यूचर आपके इस पे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो वैल्यू, जो 11-12 से जो आपका डिग्री आएगा ना, उसको अगर आप वैल्यूएबल बनाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि वो फ्यूचर में भी आपको वैल्यू करे, उस डिग्री से आपका वैल्यू हो, तो बस आप इस चीज को ध्यान से सिलेक्ट करना, ध्यान रखकर सिलेक्ट करना। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुका होगा। तो टेक द राइट डिसीजन इन ए राइटियस वे, राइट, और आप अच्छे से अपना पढ़ाई करो, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर अहेड, ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसे करियर रिलेटेड वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन पे जाकर लिखना, और अगर आपको कोई डाउट भी हो तो बस कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखना मत भूलना। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।